मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बेटा हमने एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट कर लिया, उसकी चारों एप्लीकेशन भी हमने कर ली। आज हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आज और कल भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस आपने सोलेनोइड भी पढ़ी थी, कुछ कॉन्सेप्ट वैसा ही है इसमें भी। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि हमने जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल को सस्पेंड किया था, कॉइल को लटकाया था, तो उस पर टॉर्क लगा था, कुछ ऐसे ही होगा। जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर करंट पास करी जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी होगी, तो उस पर टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगी, तो उससे हमें करंट का डिफ्लेक्शन पता चलेगा या उसकी जो कॉइल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमन क्या करते हैं, तो एक तरह का मीटर है, इसके हेल्प से अपन करंट का डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, ठीक है ना, कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। बस केवल गैल्वेनोमीटर से हम करंट का डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब इसकी कॉइल में करंट पास करी जाती है और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू, या मैं बोलूं जो टॉर्क है वो डिपेंड करेगा करंट कितनी पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, और फिर इसके टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर हम चेक करेंगे, और हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो सारा हम देखेंगे। तो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर we check the deflection of current, we check the deflection of current in a circuit। किसी भी सर्किट में हमें करंट को चेक करना है कि करंट है या नहीं, तो करंट के डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर काम में लिया जाता है। और जब करंट होगी तो करंट गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी उसमें डिफ्लेक्शन होगा, और अगर उसमें करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब वो प्रिंसिपल क्या होता है वो हम गैल्वेनोमीटर के टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, हम टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर दो टाइप का होता है भाई। फर्स्ट आपका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट आपका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और सेकंड आपका है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर ये भी दो टाइप का होता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर हमारे कोर्स में नहीं है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे कोर्स में, हम इसी को पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये दो टाइप का होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम दो टाइप का पढ़ेंगे, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा पढ़ेंगे बेटा पीवाई टेड गैल्वेनोमीटर या कॉइल गैल्वेनोमीटर। पीवाई टेड कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के पढ़ेंगे हम, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी टू टाइप्स होगा, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पीवाई टेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। ये दोनों, इन दोनों की केवल स्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन है, वो डिफरेंट है। दोनों का प्रिंसिपल और वर्किंग सेम है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग दोनों की सेम होगी, दोनों का केवल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा, बाकी दोनों के प्रिंसिपल और जो वर्किंग है वो सेम होगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पहले सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं और वर्किंग देखते हैं आज, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको पता चल गया, इसका यूज आपको पता चल गया, गैल्वेनोमीटर को कैसे काम में लेते हैं, ठीक है ना, सर्किट में। अब हम पढ़ेंगे पहला सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखते हैं,
और फिर हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, और फिर पीवाइट एंड गैल्वेनोमीटर, फिर कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप है गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड टाइप या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन देखो पहले, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या लेना होता है वो चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टू मैग्नेट्स की, दो बड़े मैग्नेट्स चाहिए हमें, टू मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेट चाहिए। इसके बाद इसमें कॉइल चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉपर की बाउंड करी हुई कॉइल चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉइल। उसके बाद इसमें हम एक रॉड भी काम में लेंगे, रॉड बोल दो उसको, और हिंदी में इंग्लिश में भी रॉड ही बोलते हैं, आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन की होती है रॉड। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे फॉस्फोर ब्रांच का एक अलॉय वायर, फॉस्फोर ब्रांच वायर, ठीक है, ये भी हमें इसमें चाहिएगा। इसमें एक मिरर भी काम में लेंगे, प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर भी हम काम में लेंगे। और इसके अलावा मैग्नेट हो गया, ये हो गया, और फिर हम इसको एक स्टैंड जो है उसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब मैं देखो ये जो पांच आपने चीजें लिखी है, पांच अलग अलग, इनका कैसे यूज करना है, कैसे हमें डायग्राम बनाना है वो देखो, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्चर। जो दो मैग्नेट ले रहे हैं ना बेटा, वो हम ले रहे हैं सेमी स्फेरिकल, एन और एस, ठीक है ना। देखो एक तो अपन ने मैग्नेट ऐसे दिखाया, हम दिखाएंगे सेमी स्फेरिकल, ये जो है ना वो स्फेरिकल शेप में हो, सेमी स्फेरिकल इस टाइप से। देखो मैं बनाता हूं डायग्राम, ये आपका एन और दूसरा आपका इधर आप ले लोगे एस, इस तरह से रेडियल, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल का जो प्लेन है वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूं। अब अपन बात कर लेते हैं कॉइल की, बीच में अपन कॉइल बना लेते हैं, कॉइल कैसे लेंगे, कॉइल को कैसे देखेंगे, अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगल शेप का कोई इंसुलेटिंग सब वो ले लेंगे और उसके ऊपर कॉइल वाउंड कर देंगे, ठीक है ना, कॉपर की जो वायर है वो वाउंड कर देंगे ऊपर, ये आपकी कॉइल हो गई, इसको अपन कॉइल बोल देंगे, और इसके बीच में एक रॉड रखी जाती है आयरन की रॉड, और इसको एक फॉस्फोर ब्रांच वायर से, ठीक है, नीचे अपन स्टैंड ले लेंगे, ये T2 टर्मिनल, ऊपर भी फॉस्फोर ब्रांच वायर को अपन कनेक्ट करेंगे, और इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे अरेंजमेंट को अपन एक स्टैंड से इस तरह से टाइट कर देंगे, इधर स्टैंड लगा देंगे, यहां एक स्क्रू लगा देंगे इस तरह से, और फिर अपन एक वायर निकाल लेंगे T1, ये आपका स्क्रू है, और इसकी ये फॉस्फोर ब्रांच वायर है, ये फॉस्फोर
ब्रॉन्ज का वायर, इसके ऊपर प्लैन मिरर, ये आपका प्लैन मिरर, इस तरह से आपका एक डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। और ये कॉयल हो गई, इसको अपन बोलेंगे क्रॉड, आयरन क्रॉड, ये आपके आयरन क्रॉड हो गई, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया बीच में बेटा, ये स्क्रू की सहायता से अपन T1 पॉड यहाँ निकालेंगे, T2 यहाँ से अपन करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। ये दोनों आपके मैग्नेट होंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरह से अपन लिया। अब इसके देखो कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना है, डायग्राम बनाना और इसके बारे में लिखना है कि क्या क्या लिया, ठीक है, वो आप बुक से देख के लिख लेना। अब मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, वो देखते हैं अपन प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग देखते हैं, वो इजी अपने लिए, वो हमारे लिए जरूरी है। देखो प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल समझो, पहले हमने अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया, जैसे हमने करंट इसमें फ्लो कराया, जैसे ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, when we flow current capital I in the coil, जैसे कॉइल में करंट I फ्लो कराएंगे क्या करेगा बेटा, ये डिफ्लेक्ट होगा, ये रोटेट करेगा, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, देन अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन इट, और उसको टॉ डिफ्लेक्टिंग DEF से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा, अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, इसमें करंट I, इसका एरिया जो है वो A, मैग्नेटिक फील्ड B हो, तो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो NIAB sin theta, हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, NIAB कितना होगा sin theta, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा ऑलवेज 90 डिग्री होगा, ये जो अपन ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है ना, इस तरह से इसकी वजह से थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी, देन टॉर्क डिफ्लेक्टिंग जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो होगा NIAB sin 90, sin 90 आपका कितना होता है बेटा 1, देन टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला आ गया NIAB, इक्वेशन नंबर 2। ये तो ड्यू टू करंट, जैसे हमने इसमें करंट फ्लो कराई T1 और T2 से बैटरी कनेक्ट करके, तो ये कॉइल जो है उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये रोटेट करेगी तो इसमें टॉर्क होगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू इतनी होगी NIAB जो हम कैलकुलेट कर चुके पहले। अब देखो जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगी, इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज के वायर में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक ट्विस्ट होगा, मतलब हमने जैसे रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ाया ना वायर के, हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वैसे ही इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये देखा, ये डिफ्लेक्ट हुई, ये रोटेट हुई, तो एक इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस कंडीशन में, इसकी वजह से मैं बोलूंगा रोटेट कर रही है, और रोटेशन के बाद फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, उसमें हम रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, देन ए रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, और उस रिस्टोरिंग टॉर्क को तो आर से डिनोट करेंगे, और उसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फाई के, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो फाई के, कि इस कॉइल में डिफ्लेक्शन कितना हुआ, फाई जो है ना नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे हम इसको मेजर करेंगे ना स्केल से कि कितना डिफ्लेक्शन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन डिफ्लेक्शन हुआ है, तो वो होता है फाई, फाई नंबर ऑफ डिवीजन है, कॉइल में नंबर ऑफ डिवीजन कितना एंगल से या कितना डिवीजन ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसकी जो वैल्यू है रिस्टोरिंग टॉर्क की वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि भाई कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जिस हिसाब से फाई होगा, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन तक जाएगा, फिर वो जो फाई है उसके हिसाब से रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो अपन कांस्टेंट लेंगे, क्या होगा वो कांस्टेंट सी, तो आर इक्वल्स टू सी फाई। देखो डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया, ये बना लेना आप,
इस इक्वेशन के बाद में लिख रहा हूं then to r equals to c5 इक्वेशन नंबर 3 where c is constant और इसको क्या बोलेंगे यूनिट डिवीजन या वन डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क सी इज रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर वन डिवीजन डिफ्लेक्शन और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होना चाहिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होना चाहिए तो अपन वैल्यूज पुट कर लेंगे सेकंड से और थर्ड से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है एन आई ए बी और इसका फॉर्मूला है सी फाइव क्या एन ए और बी कांस्टेंट को मैं सी के नीचे लिया हूं देन आई इक्वल्स टू सी अपॉन एन ए बी इनटू 5 सी को आपने कांस्टेंट बोला एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कांस्टेंट ए उसका एरिया बी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट तो ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट हुई जिसको मैं के मान लेता हूं देन आई इक्वल्स टू के 5 या मैं लिखूं आई प्रोपोर्शनल टू 5 दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड या पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कि जो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन है ठीक है ना नंबर ऑफ डिवीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अगर कॉइल में करंट ज्यादा पास करेंगे गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे कम पास करेंगे तो कम होंगे ठीक है ना देन आई प्रोपोर्शनल टू 5 इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर ये ही हमें प्रूफ करना था कि जो एक कांस्टेंट होगा जिसका फार्मूला होगा सी अपॉन एन ए बी सी जो है वो वन डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड रिस्टोरिंग टॉर्क है एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ए उसका एरिया कॉइल का और बी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना इस तरह से हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है अब देखो इसकी वर्किंग क्या है कैसे वर्क करता है वो भी चेक कर लेते हैं ठीक है ना वर्किंग देखो इजी है वर्किंग में भी यही इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट बताया इसने ठीक है ना वर्किंग हमें ज्यादा नहीं देखनी है वर्किंग ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर ध्यान से देख बेटा जैसे हम उसमें करंट पास करेंगे ठीक है ना अब डायग्राम रिक्वायर्ड होगा इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो इसको सी बोल दो जैसे ही आपने उसमें करंट फ्लो कराई एक्चुअल में पहले जो मिरर था वो ऐसे था उस पे कोई रे इंसिडेंट कर रहे थे तो अपन ऐसे इंसिडेंट हो रही थी ठीक है ना उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है वो हम जानते हैं मिरर पे तो जैसे ही आपने उसमें करंट फ्लो कराई डिफ्लेक्शन 5 हुआ डिफ्लेक्शन कितना हुआ आई से 5 तो अब आपकी जो रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगी 5 से तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो 2-5 एंगल से रिफ्लेक्ट होगी 5 से नहीं 2-5 से और अब लॉजिक कहता है कि कैपिटल डी तो मैं वहां से डिस्टेंस कि जहां से आपकी रे आ रही है आपका सोर्स हो गया है ठीक है ना इधर से कोई रे और 2-5 से वो डिफ्लेक्ट हुई या रिफ्लेक्ट हुई देन यहां अगर मैं tan 2-5 की बात करूं tan 2-5 तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी और ये एंगल बहुत स्मॉल होता है तो tan 2-5 को 2-5 लिखेंगे small d upon capital D 2 upon में आ जाएगा तो 5 equals to small d upon twice capital D इसका मतलब 5 d के भी proportional हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ I proportional to 5 proportional to D this is the working of galvanometer बस इतना सा ध्यान में रखना है कि I की value 5 की और 5 की जो value है वो small d के proportional होगी this is the working of suspended coil galvanometer important आपका principle है I proportional to 5 इस पे question पूछ लेता है ठीक है ना numerical आ जाता है अब देखो नेक्स्ट आपका है पिवोटेड गैल्वेनोमीटर पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ना उसमें और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस इतना है कि दोनों की केवल कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है कंस्ट्रक्शन में भी उसमें जो हम पॉट्स या हम जैसे जो T1 और T2 पॉट निकाले थे वो कैसे निकाले थे अपने स्क्रू से निकाले थे इसमें दो पिवोट के बीच में रखेंगे मतलब इस टाइप के होंगे पिवोट तो जो फास्फोर ब्रॉन्ज वायर है ना उसको बीच में इस तरह से सेट कर दिया जाएगा देखो डायग्राम देख लो उसका बाकी सारा कुछ वैसा ही है पिवोटेड गैल्वेनोमीटर कॉइल गैल्वेनोमीटर केवल इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है वर्किंग प्रिंसिपल सेम यही होगा पिवोटेड सेकंड जो है वो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका डायग्राम देखोगे ना तो सेम वैसा ही कुछ है
ये एस, ये एन, बीच में आपकी कॉइल, ये कॉइल है, बीच में आपकी क्रॉड रखी हुई है, सेम वही फॉस्फोर ब्रांच वायर। अब देखो इसको हमने इस टाइप से पीओइडेड, ये टी वन पॉट निकाल दिया और ऐसे ही टी टू इधर ले लिया, इसको पीओइड बोलते हैं। बस यही डायग्राम है पीओइडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। केवल कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, उसमें हम स्क्रू से T1 T2 लेते थे बाहर, इसमें यहाँ जो है पीओइडेड के बीच में वायर जो है फॉस्फोर ब्रांच का वायर जो है ना उसको इस तरह से सेट कर लिया और फिर अपन दो पॉट ऐसे ले लेंगे। कॉइल कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम ही बनाना है आपको केवल और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम एमीटर वोल्टमीटर बनाएंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।